हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर टैली क्लास। स्टूडेंट्स, टैली में हमने लास्ट टॉपिक किया था परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। आज हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का ऑर्डर प्रोसेसिंग के बेस पे करके देखेंगे कि अगर हमें सिर्फ क्वांटिटीज को रिटर्न मोड पे लाना है, दैट मींस वी विल यूज रिजेक्शन वाउचर्स इन टैली। अब देखिए, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न ना दो तरह की होती है। जैसे हमने इधर से परचेज वाउचर F9 किया, तो इस बिल में पूरे अमाउंट के साथ हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हमने डेबिट नोट की एंट्री की थी, तो विद अमाउंट ही वो रिटर्न हो रहा है। और एक क्रेडिट नोट और ऐसे ही जो डेबिट नोट है उसमें हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री पास की थी, तो वो भी विद अमाउंट हो रही है। बट अगर गुड्स का इसमें हम बात करें ऑर्डर प्रोसेसिंग के बेस पे, तो वो कैसे करेंगे? यानी कि आपने कितनी गुड्स डिलीवर की हैं, सिर्फ गुड्स की रिटर्निंग, अमाउंट की बात नहीं है, इतना डिफरेंस है। तो अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं परचेज रिटर्न यूजिंग रिजेक्शन आउट। क्योंकि जब हमने परचेज की और फिर पार्टी को वो स्टॉक वापस किया, तो हमारे पास से वो स्टॉक जा रहा है, यानी कि वी आर रिजेक्टिंग दैट पर्टिकुलर स्टॉक एंड वी विल यूज रिजेक्शन आउट वाउचर फॉर परचेज रिटर्न। तो इसके लिए हम फीचर्स यूज करते हैं F11, F2। इसमें ऑर्डर प्रोसेसिंग के सारे फीचर्स यस रहेंगे। इनेबल जीरो वैल्यूड एंट्रीज, यस। परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस। सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, यस। एंड डिलीवरी एंड रिसीप्ट नोट, ये भी हमें चाहिए। और रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड, ये भी चाहिए। तो ये फीचर्स बड़े ध्यान से यस करने हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग वाले सारे हो गए और रिजेक्शन वाला भी इधर से यस करना है आपने, और इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परचेज ऑर्डर की एंट्री पास करेंगे Alt F4। एंट्री का डेट आप ध्यान देंगे 2nd of July। ओके, तो 2nd of July को पार्टी नेम लिया हमने इधर से, सपोज हिमानी क्रेडिटर। ऐसा करते हैं, जो इसमें इनबिल्ट क्रेडिटर है क्यों ना उसी से लें। हमारे क्रेडिटर है मेगा मार्ट के नाम से, मैं इसको ही यूज कर लेती हूँ, क्रेडिटर है कोई बात नहीं। और ऑर्डर नंबर हमने दिया M01 और परचेज लेजर में हमने लिया परचेज। अब इधर से आइटम लिया, इधर से कंप्यूटर। मान लो 10 पीसेस का ऑर्डर हमने पार्टी को दिया। अब यहाँ पे आप रेट नहीं उठाएंगे, क्योंकि ऑर्डर प्रोसेसिंग में रेट्स जो है वो नहीं आते, ठीक है। और सिर्फ 10 पीसेस का ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या कहता है, जब आपने पार्टी को ऑर्डर दिया तो वो गुड्स हमने फिर रिसीव भी करनी है। Alt F9 रिसीव्ड नोट, फिर यहां से और इधर से हमने रिसीव्ड नोट की एंट्री ली। M R 01 और पार्टी नेम में मेगा मार्ट हमारी पार्टी चल रही है, और यहाँ से हमने लिया ऑर्डर नंबर M01 और इसको सेव कर दिया। इधर से परचेज कंप्यूटर, 10 पीसेज हमने रिसीव कर लिए। ओके, अब उसके बाद रिसीविंग के बाद हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमने पार्टी को गुड्स वापस करनी है, तो 10 में से सपोज 2 पीसेज हमने उसको रिटर्न करनी है, तो हमने फीचर यस किया था रिजेक्शन इन आउट का। तो रिजेक्शन आउट किससे आता है, Alt F6 के साथ। Alt F6 इससे आता है रिजेक्शन आउट। अब देख सकते हैं, जो यहाँ पे टास्क पेन बनी हुई है इसमें सारे हेल्पिंग शॉर्टकट्स आ रहे हैं, जैसे रिजेक्शन इन है तो इसके आगे F6 लिखा है और नीचे डबल अंडरलाइन है, दैट मींस ये कंट्रोल के साथ चलेगा।
और ये रिजेक्शन आउट है और ये ना डीएक्टिवेट है क्योंकि मैंने रिजेक्शन आउट तो अभी ओपन ही किया हुआ है। ठीक है, तो जिसके नीचे सिंगल लाइन है वो ऑल्ट एफ सिक्स से चलेगा। अभी सपोज मैं कंट्रोल एफ सिक्स करूं तो ये जो एक्टिव रहता है वाउचर या जो एक्टिव रहता है वो स्क्रीन के ऊपर वो यहाँ से हाइड हो जाता है, जो एक्टिव नहीं होते वो यहाँ पे फ्लैश करते हैं। ओके, तो ऑल्ट एफ सिक्स आप देख सकते हैं, ये ऑल्ट एफ सिक्स रिजेक्शन आउट। पार्टी का नाम मेगा मार्ट चल रहा है, इधर से मेगा मार्ट, नेम ऑफ आइटम कंप्यूटर, और यहाँ से आप ये वाला ऑर्डर नंबर या रिसिप्ट नंबर उठा लो MR01। ओके, अब 10 में से हमने 2 पीसेस उसको वापस कर दिए, इसमें रेट नहीं आएगा और उसको खत्म कर देंगे विदाउट रेट। अब हमने क्या करना है, परचेज रिटर्न की एंट्री पास कर दी, अब करेंगे F9। F9 से परचेज, ओके, और यहाँ से बिल नंबर देंगे, पार्टी नेम, इधर से क्रेडिटर्स, मेगा मार्ट वाला, और यहाँ से आप इसका रिसिप्ट नंबर उठा लो MR01 और इसको सेव कर दो। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ऑटोमेटिकली 8 पीसेस दिखा रहा है, 10 पीसेस माइनस 2 जो रिटर्न किए थे एंड दैट कम्स टू 8 पीसेस क्वांटिटी के। अब यहाँ पे आप इसका रेट डाल देंगे, सपोज इट इज 25,000। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पीसेस डाल दिए। तो ये थी हमारे परचेज रिटर्न की एंट्री रिजेक्शन की हेल्प से। ओके, तो इसकी आप रिपोर्ट कहाँ पे चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले एंड डे बुक, इसमें आपकी सारी एंट्रीज आती हैं। ये आ गई हमारे रिजेक्शन आउट की एंट्री और ये परचेज रिटर्न की। ऐसे ही आप इनकी रिपोर्ट्स यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और रिजेक्शंस की तो अलग से नहीं आती, ऑर्डर्स की अलग से होती है। जैसे मान लो परचेज ऑर्डर जो आउटस्टैंडिंग है वो यहाँ पे आपको शो करेगा, आउटस्टैंडिंग जो भी हमारे रहते हैं मेगा मार्ट के। तो ऑर्डर क्वांटिटी जैसे ये 10, ओके, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के दिखा रहे हैं जो हमने 2 रिटर्न किए थे, तो उसकी हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट भी जनरेट हो रही है। एक एंट्री और पास करके देखें, वाउचर्स ऑल्ट एफ 4, और इस बार क्रेडिटर ले लेते हैं, ये साक्षी क्रेडिटर्स। यहाँ पे आप पार्टी का एड्रेस डाल सकते हैं, हरियाणा, सेल्स टैक्स नंबर, मोड्स ऑफ पेमेंट, टर्म्स ऑफ डिलीवरी, ये सारी डिटेल्स आप फिल कर सकते हैं। डिस्पैच थ्रू, सपोज इट्स बाय रोड, एंड डेस्टिनेशन उनका कौन सा गोडाउन है, आपने वहाँ पहुँचाना है, इसको सेव कर देंगे। ऑर्डर नंबर इज SORD, पार्टी के नाम से ही ऑर्डर नंबर जो है वो जनरेट कर लेते हैं। परचेज लेजर में परचेज, और इस बार मैं डेट चेंज करती हूँ, थोड़ा सा इसको ट्विस्टिंग करते हैं, जैसे मैंने इसको कर दिया 1st of August, इस बार 1st अगस्त की एंट्री है। और आइटम ले लेते हैं इस बार बैक कैप, हमारे पास स्टॉक में ये कम पड़ा है, इस बार इसकी परचेजिंग करते हैं। तो यहाँ से हरियाणा गोदाम लिया हमने, ये 50 पीसेस का पार्टी को ऑर्डर दिया विदाउट रेट्स एंड सेव। और 50 पीसेस के लिए आप क्या करेंगे, रिसीविंग कर लेंगे, कैसे करेंगे, ऑल्ट एफ 9 के साथ। और यहाँ से रिसिप्ट नंबर में आपने लिया साक्षी वाला था, पार्टी नेम में आपने ले लिया इधर से साक्षी, और यहाँ से ये वाला ऑर्डर नंबर उठा लेंगे SORD01 एंड सेव। ओके, अब 50 पीसेस की आपने रिसीविंग करनी है विदाउट रेट, और अब रिटर्न कितना करेंगे अभी देखते हैं। ऑल्ट एफ 6 बताया था मैंने, और यहाँ पे ये पार्टी दिया, वेबकैम थे, अब देखो स्टॉक में कितने आ गए, 51, और यहाँ से आपने उठाना है ये वाला रिसिप्ट नंबर। ये पॉइंट आपने बड़े ध्यान से देखना है कि जब हम रिटर्न की एंट्री पास करते हैं तो यहाँ पे हमने रिसिप्ट नोट ये वाला उठाना होता है। अब 50 में से सपोज हमने इतने रिटर्न किए, 20 रिटर्न कर दिए,
ओके तो 20 रिटर्न करने के बाद आप इसको सेव करेंगे और अब अपने परचेज वाउचर में चेक करेंगे। एप 9 बिल नंबर साक्षी बता था, PR01 पार्टी नेम इज साक्षी, यहाँ से ट्रैकिंग नंबर उठा लिया और इसको सेव कर दिया। ट्रैकिंग नंबर बड़े ध्यान से उठाना है और सेव किया। अब आगे ऑटोमेटिक 50 का ऑर्डर था, 50 रिसीव करके 20 रिटर्न कर दिए और 30 पीसेज हमारे बिल में लग गया। और यहाँ पे आप इसका अमाउंट डाल देंगे और इसको सेव कर देंगे। तो इसी तरह से आप पार्टी का लेजर भी चेक कर सकते हैं, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर। अभी जैसे साक्षी वाला लेजर है आप देख सकते हैं, इसके 60,000 हमने पे करने हैं, इसके अकाउंट में 60 जुड़े हुए हैं। एक और डीलिंग की थी हमने मेगा मार्ट पार्टी के साथ, इसके 2 लाख हैं, तो ये हमने पे करने हैं। डेट्स का ध्यान रखना है। तो अगर हम इनकी पेमेंट कर देते हैं, वाउचर्स F5 मेगा मार्ट 2 लाख है, सपोज अभी 1 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस में एक बिल आएगा, पेंडिंग बिल 1 लाख, और क्रेडिट में कैश या बैलेंस, कैश का बैलेंस बचा हुआ है, और इधर आ जाएगा नरेशन बी, उसके बाद फिर पेमेंट डेबिट क्या करेंगे यहाँ से, जो सेकंड पार्टी थी, अब इसका जैसे 60,000 देना है, 30,000 रेफरेंस में ये बिल उठा लिया और क्रेडिट में कैश कर दिया, कैश पे कर रहे हैं, और इधर से नरेशन आ गई बी अमाउंट पे टू साक्षी, इसको सेव कर दिया। ठीक है, चलिए अब आपकी जो आज की हुई एंट्री, दैट इज परचेज रिटर्न यूजिंग रिजेक्शन इन वाउचर। अभी आप इतना रिवाइज करके देखेंगे। थैंक यू।